कैसे हो सब? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं एक लेजेंडरी रैपर और पॉप स्टार की बायोग्राफी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस सिंगर ड्रेक के बारे में और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में। कैसे उन्होंने अपना कैरियर तो शुरू किया एज एन एक्टर, बट बाद में जाकर वो वर्ल्ड के कुछ सबसे सक्सेसफुल, कुछ सबसे अमीर और कुछ सबसे पॉपुलर रैपस्टर और पॉप स्टार्स में से एक बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के उनके इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 24 अक्टूबर 1986 को टोरंटो कनाडा में एब्रे ड्रेक ग्राहम का जन्म हुआ। ड्रेक के पिताजी जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे और वहीं उनकी माँ जो कि कैनेडियन थी, जिसकी वजह से ड्रेक की पर्सनैलिटी काफ़ी मिक्स कल्चर की दिखाई पड़ती थी और इसी के कारण उन्हें बचपन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लुक्स की वजह से बचपन में ही उनको काफ़ी सारे लोग बुली किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेक ने कभी इन सब बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। यहाँ तक कि उनके ऊपर रेशियल कमेंट्स भी किए जाते थे। हालांकि ड्रेक बचपन से ही अपने फादर और अपने मदर के बहुत ज़्यादा चहेते थे। उनके फादर जो कि एक म्यूजिशियन थे और बचपन से ही ड्रेक को भी म्यूज़िक की बारीकियां सिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में जाकर उनके फादर और मदर के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे, जिसके कारण बाद में उन दोनों ने डिवोर्स लेने का ही फैसला किया और उसके बाद ही ड्रेक अपनी मदर के साथ ही रहने लगे थे। उनकी मदर जहाँ पर एक तरफ टीचर का काम करती थी और फैमिली की भी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी बेकार हो गई थी उस वक्त तक, लेकिन फिर भी उनकी मदर ने अपनी पूरी कोशिश की और ड्रेक के सारे सपने पूरे करने के लिए अपना पूरा 100% दिया। ड्रेक जब महज 5 साल के थे, उनकी मदर ने तब से ही उन्हें एक्टिंग स्कूल भेजना शुरू कर दिया था और उसी के साथ साथ ही ड्रेक बचपन से ही आइस हॉकी भी काफ़ी ज़्यादा खेला करते थे। एक्टिंग स्कूल में जाने के कारण बाद में जाकर उन्हें काफ़ी कम उम्र में ही छोटे मोटे टीवी एड्स वगैरह में काम करने का मौका मिल चुका था और बाद में जाकर ड्रेक को काफ़ी बड़े बड़े एड्स भी मिल चुके थे, लेकिन उसी के साथ ही वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस और अपने पढ़ाई को भी साथ में लेने जा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वहीं एक तरफ ड्रेक को अपनी म्यूज़िक की बारीकियाँ अपने फादर से ही सीखने को मिली थी, जहाँ वो एक तरफ कनाडा में अपनी मॉम के साथ रहा करते थे, लेकिन वहीं एक तरफ समर हॉलीडेज़ में वो अपने फादर से भी मिलने जाया करते थे, जहाँ पर उनके फादर एक म्यूजिशियन थे जो कि बचपन से ही ड्रेक को म्यूज़िक की बारीकियाँ और सिंगिंग के बारे में सिखाया करते थे। और जहाँ एक तरफ उनके फादर एक म्यूजिशियन थे, उसी कारण ड्रेक को भी म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता गया और उसी के चलते ही बाद में जाकर ड्रेक भी काफ़ी सारे गाने और हिप हॉप रैप लिखने लगे थे, लेकिन उनका मेनली ज़्यादा मन रैप लिखने में ही लगता था और उसी के कारण बाद में वो एक्टिंग के साथ साथ रैपिंग में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। लेकिन वहीं एक तरफ कनाडा में उन्हें एक छोटा सा टीवी शो भी मिल गया था जो कि बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और ड्रेक इस टीवी शो में लगातार 7 साल तक कास्ट किया गया और इसी के चलते ड्रेक ने अपना पढ़ाई भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे। वहीं जहाँ पर उनकी माँ एक तरफ बीमार रहती थी, तो उन्हें घर के खर्चे और घर के सारे काम देखने पड़ते थे और इसी के कारण वो अपने असली पैशन म्यूज़िक पे और रैपिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहीं एक तरफ उनके पिताजी जो कि काफ़ी ज़्यादा जेल जाया करते थे, एक दिन उन्होंने जेल से ही अपने बेटे को फ़ोन लगाया और कहा कि मेरा एक सेलमेट है जो कि एक रैपर ही है और तुम उसे अपने कुछ गाने सुनाओ, और उसके सेलमेट को ड्रेक के गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसके बाद ही ड्रेक ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब वो म्यूज़िक में भी हाथ आजमाएंगे और अपने एक्टिंग के करियर को आगे ले जाते हुए उन्होंने म्यूज़िक में भी अपना हाथ आजमाने के बारे में सोचा और बाद में जाकर उन्होंने अपना एक मिक्स टेप भी रिलीज़ किया जिसका नाम था रूम फॉर एवरीवन। हालांकि उनका ये टेप ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया और ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी ड्रेक ने अपने म्यूज़िक करियर पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी और बाद में न्यूयॉर्क में रहते हुए काफ़ी सारे डीजेस के साथ मिल गए उन्होंने अपने काफ़ी सारे और म्यूज़िक और मिक्स टेप बनाए और वहीं पर उनका सेकेंड मिक्स टेप काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया जिसका नाम था कम बैक सीजन और उसमें का एक गाना जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जिसका नाम था रिप्लेसमेंट गर्ल, और यहीं से ड्रेक ने अपना म्यूज़िक करियर को स्टार्ट करने के बारे में सोचा। पर काफ़ी सालों तक और मेहनत करने के बाद भी ड्रेक को अपने म्यूज़िक करियर से वो बात नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे, लेकिन वहीं एक दिन जब वो बार्बर के शॉप में बैठे थे तब उन्हें एक फ़ोन आया और वो फ़ोन था लिल वेन का, जो कि उस समय के एक सबसे जाने माने और लेजेंडरी रैपर माने जाते थे।
और वहीं जब लिल वेन ने उनके कुछ म्यूजिक को सुना तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छा और कैची लगा और तुरंत ही दूसरे दिन बुलाकर उन्हें यंग मनी एंटरटेनमेंट के लिए साइन कर लिया गया। और उस म्यूजिक कंपनी से साइन होते ही उन्होंने तुरंत ही अपना एक एल्बम निकाल दिया जिसका नाम था सो फार गॉन। और वहीं उसका एक गाना जिसका नाम था बेस्ट आई एवर हैड, जो कि रिलीज होते ही चार्ट बस्टर बन गया। और बस यहीं से ड्रेक को अपने लाइफ की पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। बाद में जाकर ड्रेक ने काफ़ी सारे लेजेंडरी और सबसे सुपर हिट सॉन्ग्स निकाले, जिसमें से एक था कीकी डू यू लव मी, और उस गाने का नाम था इन माई फीलिंग्स, जो कि टिकटॉक वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा फेमस और वायरल हो चुका था। और आज के टाइम पर ड्रेक ना सिर्फ यूएस से कैनेडा बल्कि वर्ल्ड के कुछ सबसे बेस्ट रैपर और पॉप स्टार्स में से एक जाने जाते हैं। तो यार होप आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको और सिंगर्स और लेजेंडरी लोगों की बायोग्राफी देनी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। बाय।